सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग कई योजनाएं चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआडाना स्थित प्राथमिक स्कूल ऐसा है जहां बच्चे पहले स्कूल आते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को ही स्कूल के आसपास स्थित खेतों से पानी भरकर लाना पड़ता है। विभाग की उदासीनता के कारण स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पेयजल सुविधा के लिए विभाग की ओर से एक हैंडपंप खोदा गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हैंडपंप नकारा पड़ा है, जिससे स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को पहले स्कूल के आसपास के खेतों से पानी लाना पड़ता है, इसके बाद शिक्षण कार्य करवाया जाता है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक रोहित रघुवंशी बताते हैं कि पिछले कुछ माह से स्कूल का हैंडपंप पूरी तरह से खराब है। पीएचई विभाग को कई बार शिकायत की जा चुकी है, परंतु विभाग के द्वारा अब तक हैंडपंप नहीं सुधारा जा सका है। गर्मी के मौसम में इन क्षेत्रों में पानी जमीन से काफी नीचे होने के कारण हैंडपंप के माध्यम से पानी खींचना मुश्किल हो जाता है, इस कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों को दूर दराज खेतों से पानी भरकर स्कूल लाना पड़ रहा है। अच्छा, और कितने दिनों से ये परेशानी हो रही है? 15 दिनों से हो रही है। गाँव में कितनी दूर से लाना पड़ता है ये?